हेलो गाइस, मैं खान सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल बालाजी वाला यूनिक में। यहाँ हम लोग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट देखा था। इस वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स को और देखेंगे। आपका पहला एक्सपेरिमेंट TW एंगलमैन का, देन आपका जूलियस वॉन साइस का एक्सपेरिमेंट। तो दो एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो हमारे NCERT में दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे जो आपका 1843 से 1909 तक ये आपके जिंदा रहा है। ओके, या इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो 1843 से 1909 तक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। किस पे? आपका जो था फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने एक प्रिज्म को लिया, ठीक, और एक सस्पेंशन लिया। सस्पेंशन में आपका क्या लिया, एक तो एरोबिक बैक्टीरिया को लिया, ठीक, जो आपके रेड कलर के दिख रहे हैं, देखिए आपके एरोबिक बैक्टीरिया हैं। और साथ ही साथ इन्होंने क्या लिया, आपका एक ग्रीन एल्गी लिया, जिसका नाम था आपका क्लैडोफोरा। ओके, ये ग्रीन एल्गी है, जो कि ग्रीन एल्गी है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और ये आपके हैं एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका रिस्पायरेशन करें, दैट इज एरोबिक। ओके, तो यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया लिए, एरोबिक बैक्टीरिया लिए। और आपका एक एल्गा लिया, ग्रीन एल्गा, जिसका नाम क्या है, क्लैडोफोरा। ग्रीन है तो क्या करेगा, आपका फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, आपके जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं आपके प्लांट्स के, वहां पे आपकी फोटोसिंथेसिस होती है। तो ग्रीन एल्गा है वो पूरा ही क्या है, आपका ग्रीन है। दूसरा क्या लिया, एक प्रिज्म लिया। प्रिज्म क्या करता है, जो लाइट है उसको स्प्लिटिंग करता है, उसको तोड़ने का काम करता है आपका प्रिज्म। तो इन्होंने सबसे पहले क्या ली, एक व्हाइट लाइट ली। व्हाइट लाइट मान लो आपकी सनलाइट हो सकती है, आपकी जो बल्ब की लाइट है वो हो सकती है। तो उसको उन्होंने लिया आपकी, या टॉर्च से उन्होंने लाइट डाली, व्हाइट लाइट, ठीक। उसको कहाँ से गुजारा, उसको एक प्रिज्म से निकाला। तो जब व्हाइट लाइट जो है वो अपने प्रिज्म से निकलती है, तो व्हाइट लाइट क्या होता है, आपकी 7 कलर से मिलकर बनी होती है। जो सनलाइट है वो भी आपकी जो है 7 कलर से मिलकर बनी होती है। उसमें 7 कलर कौन कौन से होते हैं, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, ये उनका सबका क्या दे रखा है, पहला लेटर उनका सबका दे रखा है। तो जब व्हाइट लाइट को उन्होंने कहाँ से निकाला, आपके प्रिज्म से निकाला, तो जो व्हाइट लाइट थी वो अपने सारे कंपोनेंट्स में टूट गई। ब्लू में टूटी, इंडिगो, वायलेट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, तो जो आपके ग्रीन एल्गी होते हैं या जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, वो आपके क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इधर तो उन्होंने क्या किया, प्रिज्म से आपको लाइट को निकाला, लाइट को प्रिज्म से गुजारा। इधर आपका सस्पेंशन रखा, जिसमें आपका एरोबिक बैक्टीरिया थे, साथ में आपका ग्रीन एल्गा था। ओके, जब यहाँ पे लाइट पड़ी या जो उसके सस्पेंशन के ऊपर या ग्रीन एल्गा के ऊपर जब लाइट पड़ी, तो ग्रीन एल्गा ने क्या किया, आपका फोटोसिंथेसिस स्टार्ट की। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो आपका क्या निकलेगा, ऑक्सीजन भी उसमें इवॉल्व होगी या ऑक्सीजन उसमें रिलीज होगी। तो यहाँ पे जब आपने जो ग्रीन एल्गा ने आपका क्या किया, फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस ने आपकी ऑक्सीजन भी रिलीज की। तो जब ऑक्सीजन निकलेगी तो जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो वहीं पे जाएंगे जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ओके, एरोबिक है तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन जहाँ पे ज़्यादा होगी एरोबिक बैक्टीरिया वहीं पे जाके आपके इकट्ठे होंगे या कलेक्ट होंगे। तो इन्होंने देखा कि जो सस्पेंशन था उसमें जो आपके ब्लू वाले एरिया और रेड वाले एरिया, यहाँ पे जो आपके जो बैक्टीरिया थे वो सबसे ज़्यादा कलेक्ट हुए आपके ब्लू वाले में। आप देख सकते हैं जो ग्रीन जो है वो हम लोगों ने क्या बनाया, बैक्टीरिया बनाया, सॉरी रेड वाले। तो जो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपकी ब्लू वाले एरिया में और आपके रेड वाले एरिया में दिख रही है, किसकी, एरोबिक बैक्टीरिया की। एरोबिक बैक्टीरिया के कहाँ पे, रेड में और ब्लू में सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इससे इन्होंने रिजल्ट निकाला आपके एंगलमैन ने कि जो आपके जो रेड वाला एरिया है और आपका ब्लू वाला एरिया, यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका जो ग्रीन पार्ट है या ग्रीन एल्गी है वो रेड वाली जो लाइट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेगा तो ऑक्सीजन का रिलीज ज़्यादा होगा। वहीं आपका जो ब्लू वाला एरिया है वहाँ पे भी आपका सबसे ज़्यादा वो करेगा, सबसे ज़्यादा आपका फोटोसिंथेसिस करेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे होगी। तो इन दो पार्टों में जो आपके ब्लू वाले पार्ट और रेड वाला पार्ट,
यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी इस वाली जो लाइट है, ब्लू लाइट और आपकी रेड लाइट। तो ब्लू लाइट और आपकी रेड लाइट में सबसे ज्यादा आपकी फोटोसिंथेसिस होगी, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी, इसीलिए जो आपका जो एरोबिक बैक्टीरिया है यहाँ पे सबसे ज्यादा इकट्ठे होते हैं। तो इससे क्या निकला, इससे एक रिजल्ट निकला कि जो आपका जो जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो डायरेक्टली आपकी जो लाइट की जो लाइट का जो कलर है या लाइट के जो वेवलेंथ है उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सबसे पहला टी डब्ल्यू एंगलमैन ने सबसे पहला एक्सन एक्सपेक्ट्रम भी दिया। एक्सन एक्सपेक्ट्रम का मतलब होता है कि कौन सा जो कलर है सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस कलर में होती है, उसके लिए क्या बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट देखा। सबसे पहले एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म से वाइट लाइट को गुजारा, तो वाइट लाइट हमने जितने भी कलर से मिलके बनी है उन सारे कलर्स में टूट गई। एक सस्पेंशन लिया जिसमें आपका ग्रीन एल्गा लिया, ग्रीन एल्गा फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जब ग्रीन एल्गा ने फोटोसिंथेसिस की तो जो आपके ब्लू वाले पार्ट में और रेड वाले पार्ट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो सबसे ज्यादा यहीं पे कलेक्ट हुए आके। यहाँ पे कलेक्ट इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगी। तो जब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे निकलेगी तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रही है। तो ये सबसे पहले किसका था, टी डब्ल्यू एंगलमैन का जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने सबसे पहले क्या दिया, फर्स्ट एक्सन स्पेक्ट्रम भी इनके ही आपके जो है इनके एक्सपेरिमेंट से आया, फर्स्ट एक्सन स्पेक्ट्रम। एक्सन स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका, जो कितनी कौन सी लाइट कितना जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रही है और कितनी फोटोसिंथेसिस कर रही है, उसके लिए जो ग्राफ बनता है उसी को एक्सन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो सबसे पहला एक्सन स्पेक्ट्रम भी आपका एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हमें मिला था। ओके, ग्रीन एल्गा लिया, क्लेडोफोरा और एरोबिक बैक्टीरिया लिया, प्रिज्म लिया, ये सब याद रखेंगे कि किसके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया गया था। ओके, और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, आपके ब्लू वाले रीजन में और आपके रेड वाले रीजन में, क्योंकि वहीं पे आपके एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा इकट्ठे हैं। एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा है तो वहां पे आपकी ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही होगी, और जब ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही होगी तो वहां पे फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रही होगी। तो एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने आज यहाँ पे डिस्कस किया। दूसरा देखते हैं हम लोग, जूलियस वॉन सैक्स का एक्सपेरिमेंट जो कि इन्होंने 1854 में दिया था। इन्होंने बताया क्या था, प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, जो आपका जो प्लांट्स है उनमें जो ग्लूकोज बनता है उसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक एविडेंस दिया था कि जो ग्रीन पार्ट्स हैं उनमें क्या होता है, आपका ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। किसने, आपका जूलियस वॉन सैक्स ने, ठीक। ग्लूकोज स्टोर्स एज स्टार्च, और ये भी बताया था कि ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में आपके प्लांट्स में जो है स्टोर होता है। तो वो अभी चल रहा है कि जो हम लोग जो प्लांट्स हैं उनमें जो आपका ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में आपका उनमें स्टोर होता है। हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जबकि प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में आपका स्टोर होता है। तीसरा इन्होंने बताया कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में वो आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक। इन्होंने बताया ग्रीन पिगमेंट जिसको बाद में क्या कहा गया, क्लोरोफिल, वो क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो इनसाइड जो कुछ सैक्स होते हैं, बॉडीज होती हैं, उनके अंदर आपका कलेक्ट रहता है, उन बॉडीज को बाद में हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट, या साइंटिस्ट ने उनको बाद में क्लोरोप्लास्ट कहा। तो इन्होंने क्या बताया कि जो आपका ये एविडेंस दिया किसके लिए, कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, और दूसरा इन्होंने बताया कि जो आपका जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में आपका प्लांट्स में स्टोर होता है। और इन्होंने बताया कि जो क्लोरोफिल है या ग्रीन पिगमेंट जो है प्लांट में पाया जाता है वो आपका कुछ बॉडीज के अंदर पाया जाता है जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उनमें ही आपका केल पाया जाता है। तो ये भी बात उनकी बिल्कुल करेक्ट थी, क्योंकि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही आपका क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो इन्होंने चार बातें बताई, पहला कि एविडेंस दिया प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, दूसरा बताया इन्होंने जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में आपका स्टोर होता है प्लांट्स में, तीसरा इन्होंने बताया जो क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट है वो आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट्स को देख लिया, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट टी डब्ल्यू एंगलमैन का, दूसरा हम लोगों ने जूलियस वॉन सैक्स का एक्सपेरिमेंट देखा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.